चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीब रहमान ने शव्वाल के चांद के हवाले से कहा है कि मरकजी रुयत हिलाल कमेटी फैसला करने से पहले तमाम उमूर का जायजा ले, क्योंकि ईद उल फितर के हवाले से काफी कवी इत्तलात आ चुकी के आज चांद नजर नहीं आएगा। ख्याल रहे, मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद सदारत करेंगे। जोनल कमेटियों के इजलास सूबाई हेड क्वार्टर्स में ही, इजलास में शव्वाल के चांद की रुयत का फैसला होगा। महकमा आज मुल्क भर में शव्वाल का चांद नजर आने के इम्कानात इंतहाई कम होने की इत्तलात है। मौसमियात के मुताबिक सूरज ग्रहण के सबब पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में चांद नजर नहीं आएगा। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीब रहमान ने शव्वाल के चांद के हवाले से कहा है कि मरकजी रुयत हिलाल कमेटी फैसला करने से पहले तमाम उमूर का जायजा ले, क्योंकि ईद उल फितर के हवाले से काफी कवी इत्तलात आ चुकी के आज चांद नजर नहीं आएगा। ख्याल रहे, मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद सदारत करेंगे। जोनल कमेटियों के इजलास सूबाई हेड क्वार्टर्स में ही, इजलास में शव्वाल के चांद की रुयत का फैसला होगा। महकमा आज मुल्क भर में शव्वाल का चांद नजर आने के इम्कानात इंतहाई कम होने की इत्तलात है। मौसमियात के मुताबिक सूरज ग्रहण के सबब पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में चांद नजर नहीं आएगा।